एहिठाम आजादी के मांग होइत रहले और ओहि आजादी के ई नतीजा छै जे सैकड़ो नहि हजारों के संख्या में एहन एहन आजादी रोड पर जे छै से छिड़ियाल भेट रहल छै। 32 आदमी के अखन तक जान जेबाक जे छै से आधिकारिक पुष्टि भऽ गेल छै, ओकरा बाद सैकड़ों के संख्या में लोग घायल छै। आखिर एकरा लेल जिम्मेदार के? कारण दंगा में जखन केओ मरै छै, कोनो नुकसान होइ छै, तो भीड़ के कोनो जाति नहि होइ छै, भीड़ के कोनो धर्म नहि होइ छै। जे परिवार के ई नुकसान छै ओ परिवार अहिना सिसकैत रहि जेतै। राजनेता चाहे ओ सत्ता पक्ष के होइत या विपक्ष के होइत, हुनकर राजनीतिक जे मनसूबा छलनि ओ पूर्ण भऽ गेलनि, लेकिन ओहि आदमी के जे आह छै, ओहि आदमी के जे टीस छै, ओ साल दर साल जे छै से 2020 के ओहिना याद रखतै। हमरा सब जे छै से आब करावल नगर आबि गेल छी और राजीव जी के कहबनि कि करावल नगर एहिठाम सँ दहिना जे छै से करावल नगर जाइ छै, ओकरा एस्टैब्लिश करैत और पाछा मे एकटा जरल अहाँ सब खगसिया भेल ओहने एकटा गाड़ी देख सकै छियै। और अगर हमसब एहिठाम सँ जतय हमसब ठाढ़ छी ओहिठाम सँ अगर बामा दिस अगर हमसब बात करी तऽ एकटा मिनी बस जेना ओहिठाम देखा रहल छै, ओकरो ओहिठाम जरा देल गेल छै। तऽ स्थिति जे छै से जे एखन देखा रहल छी, चूँकि राजीव जी और सरोज भाई ई दुनू गोटा एहिठाम लोकल छथि, राजीव जी खजूरी में रहै छथि और करावल नगर में जे छै से सरोज भाई एहिठाम रहि रहल छथि, तऽ दुनू गोटा चूँकि लोकल छथि और लगातार जे छै से हिंसा के दिन, घटना के दिन ई सब ग्राउंड पर छला है, तऽ हुनका सबक ई कथन छनि जे अपने देख रहल छियै से मात्र 10-20% छै, अंदर के जे स्थिति छै से बहुत भयावह छै। और एकरा बाद एहिठाम सँ आगाँ अगर देखबै तऽ एहिठाम सँ आगाँ लाइन सँ जे छै से बाइक और गाड़ी अहाँके जरल भेटत, गंध से आबि रहल छै जरैन जरैन। और एहिठाम ई एहिठाम सँ करावल नगर के दिस रास्ता एहिठाम सँ जाइ छै तऽ फौज के डिप्लॉयमेंट एहिठाम, पैरामिलिट्री फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट छै एहिठाम, और सैनिक बल के, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान एहिठाम लगातार मुस्तैदी सँ गश्त लगा रहल छथि। और एहिठाम दर्जनों के संख्या में जे छै से मोटरसाइकिल भेट जायत, बाइक भेट जायत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एतेक दूर में जे छै से 11 टा मोटरसाइकिल जे हमरा गना रहल अछि। और ओकरा बाद जे छै से आप देख सकै छियै स्थिति कते खराब छै। और एक खराब स्थिति में किछु गोटा जे छै, जरा आप इधर आ जाइएगा एक बार, एहि तमाम स्थिति में किछु एहनो गोटा छथि जे पानि पहुँचा रहल छथि। आप लोग पानी देख रहे हैं आप लोगों के हाथ में, आप लोग कहाँ से आए हैं, आपका नाम? मेरा नाम पंकज गोयल है। अच्छा जी, तो पानी बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं, मतलब मकसद क्या है, जरा वो मैं जानना चाहूँ। ऐसा है कि हम मकसद ये है कि जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं, जितने भी हैं हम उनको पानी बांट रहे हैं, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर हम चाहें कि हिंदुओं के इलाके में बांटें, मुस्लिम के इलाके में बांटें, ऐसा कुछ हमारा थीम नहीं है। हमारा थीम केवल और केवल फोर्स की सेवा करने का है, फोर्स की सेवा हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन दिल्ली में जो है सुबह और शाम जो है, अभी थोड़ी सी ठंडी तो लगती है लेकिन दिन में बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत गर्मी है। और ना सिर्फ जवान, हमारे जो मीडिया वाले हैं उनको भी, बिल्कुल बिल्कुल हम मीडिया को भी दे रहे हैं। अगर मीडिया हमसे ले रहा है तो मीडिया, सिविलियन भी अगर हमसे मांग रहा है रोड पर जब हम बांट रहे हैं, कोई सिविलियन भी मांग रहा है, तो हम उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं दे रहे, देख रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। पानी बहुत अच्छा काम। कहाँ से आप लोग आए हैं? दिल्ली के चांदनी चौक से, रुद्राक्ष फाउंडेशन हमारी संस्था है, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन पानी हमारे और लोग हैं, उनको आप कृपा करके दे दें। और ये सब रुद्राक्ष फाउंडेशन के लोग सब छला है, इनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और विषम परिस्थिति में जो है से सेहो किछु गोटे एहन छथि जे मानवता के मिसाल दै छथिन। ई देख सकै छी जे एहिठाम दूटा गाड़ी छै, गाड़ी पर सँ गाड़ी, और कोन तरह नुकसान कयल गेल छै। 11 टा बाइक कहने छलहुँ हँ, 12, 13, 14, 15, 16 एतेक दूरमे जे छै से 16 टा एहिठाम बाइक हमरा देखा रहल अछि, दूटा बड़का गाड़ी, और ओकरा बाद फेर एहिठाम एकटा और गाड़ीमे आगि लगा देल गेल छै। और ओकरा बाद बहुत मुश्किल छै रिपोर्टिंग केनाइ, कारण जगह जगह जे छै से ओकर तार इत्यादि जे छै छिड़ियाल छै। और चूँकि यातायात धीरे धीरे सामान्य भऽ रहल छै, तैँ लोगक आवाजाही, गाड़ी घोड़ा
सेहो चल रहल छै। हालांकि बहुत बेसी प्रभावित जे छै से करावल नगर रहल छलैए और ओहिमे एहिठुनका स्थिति जे छै से किछु बेसी भयावह बुझना जा रहल छै। और एहिठान देख सकै छियै जे रास्ताके दहिना भाग जे भाग हमसब चलै छलहुँ हँ तकरा दहिना भागके जे स्थिति छै से बहुत खराब स्थिति छै। एहिठान अहाँके 4-5 गाड़ी अहाँके भेट जायत, एकटा गाड़ी एहिठाम छै, दूटा एहिठाम छै और एहिके बाद एतेक दूरमे फेर एकटा गाड़ी ओहिठाम छै और दर्जनों मोटरसाइकिल जे छै से एहि तरहें जे छै से एहिठाम काज जराके जे छै से राखि देल गेल छै। तऽ निश्चित रूपसँ बहुत भयावह जे छै से दृश्य छै। एहि दृश्यके कोन तरहें शब्दमे वर्णन करी ई कहनाइ बड़ा मुश्किल छै। और ई रास्ता एहिठामसँ करावल नगरके तरफ जाइ छै और हमरा सब करावल नगर चलब और ओहिके बाद अन्दरके जे छै ई तऽ अखन तक जे मेन रोड छै ओहि मेन रोडके ई स्थिति छै और मेन रोडसँ अन्दर की केना स्थिति छै तकरो हमरा सब कोशिश करबै। और एहिठामसँ इतर जे छै से अगर करेक बगलमे आबी तऽ एकटा गाड़ी एहिठामसँ आओर ओहिके बाद 2-3 मोटरसाइकिल ओहि कात छै तऽ 4-5 मोटरसाइकिल जे छै से ओहिठाम जरायल छै। तऽ कुल मिलाकऽ जे छै से स्थिति कतेक भयावह छै से जानि सकै छियै जे बहुत बहुत खराब जे छै से स्थिति छै। और एकरा एहन एहन तरहक जखन घटना होइ छै तऽ एहि घटनाके जखन अहाँ रिपोर्टिंग करैके लेल अबै छियै, जखन कवरेज करैके लेल अबै छियै तऽ बहुत हिम्मतके काज छै। कारण एहिठामसँ हजारों परिवार जे छै हजारों परिवार इफेक्टेड भेलैए, एहिठाम लाखों लोकके जे छै से भविष्य नुकसानमे चलि गेलै, ओकर भविष्य जे छै से अन्धकारमय भऽ गेलै। कारण एक एक टका जे छै से लोक जोड़िकऽ केओ 1000 किलोमीटर, केओ 1500 किलोमीटर, केओ 2000 किलोमीटरसँ जे छै से एहि जगहपर आबिकऽ अपन एकटा आसियाना बसाबै छै, एकटा घर, एकटा खोपड़ी, एकटा झुग्गी ठाड़ करै छै। मुदा तकरा बाद जँ अगर एहन तरहक स्थिति होइ और एक झटकामे अगर एहन परिदृश्य बदलि देल जाए तऽ तकरा बाद जे छै से एहने दृश्य होइ छै। हमर जे फौजके जवान सब छथि, हमर जे हिनका सबके कतौ आओर ड्यूटी करैत रहबाक चाही छलनि हँ, लेकिन ओ सब जबरदस्ती जे छै से एहिठाम नहि अयलथि हँ, मजबूरीमे एहिठाम अयलथि हँ। एहि दुआरे अगर ओ सब छथि तऽ स्थिति सामान्य छै, नहि तऽ जे बँटवारा भऽ गेल छै, जे मोनक बँटवारा भेल छै ओकरा कमसँ कम पटनाइ, ओकरा भरनाइ, ओहि चीजके, ओहि खाइके झपनाइ बहुत सहज नहि छै। चलिए हमरा सब अन्दर और अन्दर जे छै सेहो अहिना किछु किछु चीज जे छै से दूरहिसँ हमरा सबके जड़ल देखा रहल अछि। चलै छी हमसब अन्दर और अन्दरके की केना स्थिति छै तकरो हमरा सब अपने लोकनिक लेल लऽ कऽ अबै छी।